हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आई हूँ गणपति जी का दर्शन करने, और आप लोगों को भी मेरे साथ गणपति जी का दर्शन करवाऊँगी। तो ये हैं गणपति जी, आप लोग भी मेरे साथ गणपति जी का दर्शन कर लीजिए। बहुत ही बड़े हैं यहाँ के गणपति जी। ये हैं, ये गणपति मस्जिद में बैठा है सार्वजनिक। तो यहाँ पे और भी कुछ पूजा चल रहा है, कपल्स हैं तो इन लोग पूजा कर रहे हैं। पता नहीं किस चीज़ का पूजा हो रहा है, मेरे को नहीं मालूम, बट दोनों कपल्स बैठ के पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ था, बट कल गणपति जी का विसर्जन है इसलिए सारा सामान उठा के गोनी में पैक करते जा रहे हैं विसर्जन करने के लिए। आज से ही प्रिपेयर कर रहे हैं विसर्जन करने के लिए। तो देख के बहुत खुशी भी हुआ और दुख भी हो रहा है कि कल गणपति जी का विसर्जन कर देंगे। और ये गणपति जी हैं छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र टर्मिनल जहाँ पे है वहाँ पे इन मतलब ये गणपति जी को बैठाए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक हैं, बहुत सारे पब्लिक गणपति जी का दर्शन कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी अपनी विशेष बता रहे हैं गणपति जी को। तो जितने भी छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र से घर जा रहे हैं या आ रहे हैं, वो सारे लोग यहाँ पे गणपति जी का दर्शन कर रहे हैं, और मैं भी उनका दर्शन कर ली क्योंकि मैं यहीं से अभी ट्रेन बैठ के घर जाऊँगी। तो चलिए अब मैं गणपति जी का प्रसाद ले लेती हूँ, उसके बाद मैं ट्रेन सर्च करूँगी कि कौन सा ट्रेन दादर जाएगा, दादर अंधेरी जाएगा। तो अभी मैं प्रसाद ले ली। प्रसाद बहुत ही टेस्टी था, सूजी का हलवा था, बट बहुत ही टेस्टी लगा। घर में इतना टेस्टी नहीं लगता है जो घर पे बनता है सूजी का हलवा, वो क्योंकि ये गणपति बप्पा जी का प्रसाद है इसीलिए बहुत ही टेस्टी था। तो अब मैं घर जाने के लिए निकल रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग भी आई थी, सब लोग गणपति जी का दर्शन कर चुके होंगे। तो ये है बाहर, बाहर जितने भी पब्लिक खड़े हैं, बहुत ही क्राउड है और बाहर बारिश भी बहुत तेज़ हो रहा है। और मेरे पास आज छतरी भी मैं लेके नहीं आई हूँ। जब बारिश होता है, जब छतरी लेके आती हूँ तो बारिश नहीं होता, और जब छतरी लेके नहीं आती हूँ तो बारिश होता है। तो मेरे को लगा आज बारिश नहीं होगा तो मैं छतरी लेके नहीं आई। और अब मैं घर जा रही हूँ, तो देखते हैं कौन सा ट्रेन अंधेरी गोरेगांव जाएगा। बहुत ही भीड़ है, पता नहीं कैसे बैठ के जा पाऊँगी, लेकिन यहाँ से ट्रेन बनता है तो आसानी से मैं बैठ के जा सकती हूँ, इतना दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत सारे ट्रेन लगे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे ये ट्रेन। ये सब पनवेल का ट्रेन लगा है और आसम गांव का ट्रेन लगा है। अभी गोरेगांव का ट्रेन नहीं लगेगा, 6:37 में गोरेगांव का ट्रेन लगेगा, तो मेरे को अभी वेट करना पड़ेगा। गोरेगांव का ट्रेन जब तक नहीं आएगा तब तक ये ट्रेन में नहीं जा सकती मैं, नहीं तो मेरे को बहुत दिक्कत होगा। आज के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट।